नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी, जय हिंद सेवाभावी शिक्षण संस्था परभणीच्या वतीने रुग्ण हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेख सरफराज यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्राप्त झाला आहे आणि हा पुरस्कार सोहळा येत्या 10 फेब्रुवारी रोजी शहरातील कल्याण नगर या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। त्यासाठी त्यांना निवडीचे पत्र प्राप्त झाले असून आज दिनांक 2 फेब्रुवारी रोजी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आलमगीर खान यांच्या हस्ते त्यांना हे निवडीचे पत्र देण्यात आले आणि त्यांचा सत्कार करून त्यांना पुढील कार्यास शुभेच्छा देण्यात आली आहेत। सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत असताना हा त्यांचा गौरव सुरूच आहे, यामुळे त्यांना अनेकांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे। यावेळी शुभेच्छा देताना रुग्ण हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप बनकर, जिल्हा सचिव धोंडीराम सातोने, वंचित बहुजन आघाडीचे सक्रिय कार्यकर्ते कलीम कुरेशी उपस्थित होते। आज रुग्ण हक्क संरक्षण समिति के हमारे जिला उपाध्यक्ष शेख सरफराज साहब और धोंडीराम सतवाने साहब दोनों ही आज मुझसे मुलाकात किए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का वो आज समाज सेवा रुग्णालय में काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो दुश्वारियां आज हमारे ज़िले में, सभी लोग जानते हैं कि चिकित्सा को लेकर परभणी ज़िले में सुविधाएं बराबर से उपलब्ध नहीं है, वो भी अपने एक परेशानियों का सबब और हमारी परभणी की जनता को बहुत सारी कठिनाइयां और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसको देखते हुए भी वो अपना एक सोशल वर्क, जो सहायता जनता को पहुंचाना है, अपने एनजीओ के माध्यम से ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपना काम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और हम अपने तरफ से, वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से, जो सहायता इस तरह के एनजीओस को देना की देने की ज़रूरत है और जहां पर नेतृत्व करना चाहिए, हम इस चीज़ पर नेतृत्व करेंगे और परभणी की जनता की सहायता और जनता की सुविधाओं के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत ही गंभीरता से काम करेगी। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और शेख सरफराज साहब को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनको बहुत बहुत गहरे दिल से मुबारकबाद। और भी इस तरह आप काम करते रहिए, जो अपने लिए जो काम करता है, जो खुद के लिए काम करता है और जो समाज के लिए काम करता है, वो उसका काम जिंदगी भर, जिन्होंने इस शख्स से जो फ़ायदे उठाए हैं, वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखते हैं। और मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारे दिली दुआ भी है कि आप इसी तरह काम करते रहिए और सम्मानित, आपको बड़े बड़े संस्थाओं से आपको सम्मान मिले, ये हमारे तरफ से आपके लिए दुआ है। आणि याच बरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।